Get ready, y'all, it's the Bangalore Bulls. Full charge, Mari. मंजीत, अभी आपका सेकंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडल हुआ, चार साल के इसमें कैसा लग रहा है अभी सेकंड गोल्ड मेडल? ज़्यादा कोई है नहीं ऐसे लोग जो दो दो गोल्ड मेडल जीतते हैं इंडिया के लिए, कैसी फीलिंग है आपकी? खुशी तो है, सेकंड एशियाड जो खेल के आए हैं उसमें देखो सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है खुशी की, क्योंकि वो टाइट मैच हो गया था, हम पीछे चल रहे थे, तो जो मतलब जितना टाइट मैच होता है और उसकी जो जीत है ना वो बहुत ज़्यादा खुशी लेके आते हैं। तो गेम में बहुत फर्क लगा आपको चार साल में, पिछले चार साल पहले और ये साल, गेम में डिफरेंस लगा कुछ? हाँ, ये था जब 2010 में जब एशियन गेम खेल के आए थे, जब इतने लोग जानते थे, जो अभी प्रो कबड्डी से जो हमें पहचान मिली ना, उसमें एयरपोर्ट पे देखा हमने 2-3 हज़ार आदमी आए थे हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत अच्छा जो महसूस हुए रहा कि भैया कबड्डी बहुत ऊँचे स्तर पर जा रही है। और अभी दो गोल्ड मेडल हो गए प्रो कबड्डी में, बेंगलुरु बुल्स के कैप्टन हो गए, अभी घर वाले परेशान कर रहे होंगे, शादी का क्या न्यूज़ है आपकी तरफ से? शादी के लिए मम्मी तो बोल रही है, भैया बोल रहे हैं, और अभी लेट करेंगे शादी अभी के लिए। अच्छा, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन मंजीत? बेंगलोर। आपका फेवरेट फूड? मेरा एप्पल। फूड में खाने को क्या अच्छा लगता है स्पेसिफिकली, चिकन या? नहीं, चिकन नहीं खाता मैं, देखो मेरे को येलो दाल और रोटी ये अच्छी लगती है। और ड्रेसिंग में आप क्या प्रेफर करते हो, कैजुअल्स या फॉर्मल्स या? नहीं, वो तो जीन्स और टी शर्ट। जीन्स और टी शर्ट। और आपकी तो घर पे गाड़ियाँ भी बहुत है, तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है ड्राइव करने को? मेरी एक्चुअली मेरी फेवरेट है। और फेवरेट प्लेयर कबड्डी में? संजू कुमार। जो एक्स प्लेयर थे वो? हाँ, संजू कुमार और कोच मेरे रणधीर सिंह। फिलहाल जो प्रो कबड्डी में हमने थोड़े स्टार्स देखे, उनमें से कोई फेवरेट प्लेयर? नहीं, फेवरेट तो कई लड़के अच्छे खेले थे पर सभी एक जैसे हैं, फेवरेट तो कोई ही नहीं था कि मतलब ये सभी अच्छे ही हैं।